बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी मेथड शेयर करती हूँ जिसे बनाने का बहुत आसान तरीका है। ये टकाम, ये तो आप हर सूट पर, शलवारों पर, ट्राउज़र पर, बाजुओं पर, कमीज़ के दामन पर, हर जगह बनते हैं। तो बना जो नया बंदा होता है वो बनाना सोचता है कि मैं कैसे बनाऊँ। ये सबसे मुश्किल लगते हैं बनाने। कोई बोतल का ढक्कन रखकर बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ, ये बनाने बहुत ही इजी हैं। ये मैंने देखे बना के रखे हैं, अब मैं आपको बनाने बताती हूँ। ये एक रजिस्टर का कागज़ है, ये आपने 3 इंच ले लेना है। 3 इंच पर निशान लगाएं इधर, फिर 3 इंच पर इधर, फिर 3 इंच पर इधर, फिर 3 इंच पर इधर। जो जो थोड़ा सा फालतू है मैं इसे निकाल दूंगी। ये देखिए, ये मेरे चार्ट काम बनेंगे। जो सेंटर वाला है मैं उसे ऐसे फोल्ड कर लूंगी। ये देखिए इस तरह फोल्ड करना है। सॉरी, इससे पहले आधा आधा इंच पर आप इस तरह निशान लगा लें, जितना आपने इसका डीप करना है। और आधा इंच पूरा हो जाता है। ये देखिए आधे इंच पे, यहाँ भी आधे इंच पे लगाऊंगी, इधर भी, ताकि काटने में आसानी रहे। ये यहाँ पर भी आधा इंच। ये देखिए अब इसको काटना बहुत इजी, आप इसे दरमियान में से फोल्ड करें। ये देखें, ये फोल्ड हो गया, ये तीनों बराबर आ गए। अपनी आपकी आसानी के लिए मैं बताता हूँ, आप इधर निशान लगा लें फोल्ड करने के बाद। ये आधा इंच का निशान है, ये भी आधा इंच का इधर मैं लगाऊंगी। ये देखिए ये निशान दोनों लगा लिए। इसके बाद आपने इसको एक तय और लगा लेनी है, इस तरह से, बिल्कुल ऐसे। अब इसको यहाँ से पकड़कर ऐसे काट दें। ये देखिए ये कट गया। ये देखिए हमारा कितना प्यारा टकाम बन गया है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। ये मैंने ये वाला टकाम बनाया है, अब मैं ये बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। ये आपने जो गोल बनाना है वो 2 इंच ले लेना है। दो इंच पर निशान लगाना है। ये जो तिरछा बनाना है इसका 1.5 इंच पर निशान लेना है आपने, यहाँ पर। फिर एक 2 इंच पर ले लेना है, फिर एक 1.5 इंच पर ले लेना है, फिर 2 इंच पर, फिर एक 1.5 इंच पर, फिर ये 2 इंच पर आ गया। ये पूरा हो गया 2 इंच पर। ये हमने इधर निशान लगाने हैं, अब हम इधर निशान लगाएंगे। जितना आपने डीप करना है टकाम को, ज़्यादा करना तो ज़्यादा कर ले, थोड़ा करना तो मैं आधे इंच पे रखूँगी। ये आधे इंच पे मैंने यहाँ निशान लगाया, आधे इंच पर ही मैं यहाँ निशान लगाऊँगी। ये देखिए आधे इंच पर ही इधर, बस। ये पहले हम 2 बनाएंगे, अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। हम इसको इधर से काटूंगी ऐसे। बस आपने इतना से काट देना है इसको। ये देखिए ये एक टकाम बन गया है। अब आगे जो तिरछा है वो हम बनाते हैं, जो ट्रायंगल में है। अब इसको इसका सेंटर काट लेना है। ये मैंने इसलिए नहीं काटा, मैंने इसके साथ मिलाना है इधर वाले के साथ निशान। ये देखें ये दोनों, ये निशान भी और ये भी बराबर आ गए हैं। अब हम इसको तिरछा काट लेंगे। तो इसको कागज़ को घुमा लें, इस तरह पकड़ें, इसके साथ मिला दें। ये देखें ये कट गया है,
ये बन गया आपका एक काम। अब हम इसको आगे फोल्ड कर लेंगे। इसके साथ अब इसके साथ मैंने गोल बनाना है, ये देखिए। ये आप आगे ले जाएं, ये अब इसके साथ फिर आपने त्रिकोण बनाना है इसी तरह। आप इस तरह पेंसिल से निशान लगा कर भी बना सकते हैं। ये देखिए ये बन गया, ये इसको इधर से काटते हैं। आगे इसके गोल बनाना है, इसको भी ऐसे रखें यहाँ पे, इसको ऐसे निशान लगाएं और इधर ऐसे लगाएं। अब इसको भी काट डालते हैं। ये इसी तरह मैं सारे काट लूँगी, मैं काट कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने सारे बना लिए हैं इस तरह से। एक गोल है, एक ट्रायंगल, एक गोल, एक ट्रायंगल, ये बने इसी तरह। ये अब इसको आप ज़्यादा डीप करना चाहते हैं तो इस तरह से दरमियान में से सारा कागज़ इस तरह फोल्ड कर लें। ये देखें यहाँ इसको ऐसे फोल्ड कर लें। अगर आप इसको डीप बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाएँ, यहाँ निशान लगा लें दो सूत्र, इसी तरह यहाँ लगा लें तो आपका ये डीप बन जाएगा। कि मैंने मुनासिब रखा है, आप ज़्यादा गहरे बड़े टकाम बनाना चाहते हैं बड़े बड़े तो ये, और इसको थोड़ा सीधे से डीप कर लें बस ऐसे। इसी तरह इसकी शेप दे लेनी है ऐसे। अब मैं आपको तीसरा दिखाती हूँ बनाकर। ये छोटे छोटे टकाम हैं, ये देखें, ये सबसे इजी है बनाने हैं आपको। आप इस तरह से कागज़ ले लें, कोई सा भी कागज़। ये मैं 1.5 इंच पर बनाऊंगी। ये बन गया, ये निशान लग गया, ये सारे निशान लगा लूंगी मैं। ये देखिए मैंने सारे निशान लगा लिए हैं। अब अपने इस कागज़ को दरमियान में से फोल्ड कर लेना है ऐसे। ये एक तय बन गई, अब इसकी दूसरी बन जाएगी ऐसे। ये 1.5 इंच पर तय आ रही है। अब इसकी चौथी तह लगा लें, तीसरी, सॉरी ये दूसरी थी, अब ये तीसरी लगाएंगे इस तरह से। ये तीन पट्टियां बराबर हो गई हैं। अब इसको 1/2 इंच का निशान लगा लें, ऐसे इधर, बस इतना इधर लगा लेना है अपने निशान। ये आजकल बहुत फैशन है टकाम बनाने का, तो आप इस तरह इजी टकाम जल्दी बना लेते हैं। बच्चों के, बड़ों के बने बहुत प्यारे लगते हैं, हर कोई बड़े शौक से बनवाता है। सूट में ज़रा अच्छी लुक आ जाती है। ये मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, ये छोटे बच्चों के बाजुओं के आगे उनके इस पर बनाए। ये थोड़ी इसकी शेप ठीक नहीं है, मैं दोबारा ठीक करती हूँ इसको। ठीक, ये इनको बाजुओं पर बनाएं, ट्राउज़र पर बनाएं, बच्चों के दामन पर बनाएं, बहुत प्यारे लगते हैं बने हुए। ये तीनों टकाम मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, जैसे मैंने बताया इस तरीके से बनाकर देखे, बहुत जल्दी बनते हैं ये। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बहुत शुक्रिया।